नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज एक थोड़ा अलग ही टॉपिक है, मैं स्प्लिट विंडो से थोड़ा हटके बताने वाला हूँ आज आपको। आज मैं आपको बताऊंगा मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी वन वे कैसेट के बारे में। कैसेट ऐसे दो तरह के आते हैं, एक आपका आता है फोर वे कैसेट जो कि इस तरीके से आता है, और एक आता है वन वे कैसेट जो कि इस तरीके से आता है। वन वे कैसेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है फोर वे कैसेट के कंपेरिजन अगर हम देखा जाए तो। वन वे कैसेट बहुत लिमिटेड कंपनीज के आता है, हर कंपनी बनाती नहीं है। फोर वे कैसेट सारी कंपनी बनाती है लगभग, और वन वे कैसेट गिनी चुनी कंपनियां ही बनाती हैं। वन वे कैसेट का मेन जो मकसद होता है वो होता है आपके घर के लुक को और ज़्यादा एनहेंस करना, ये मकसद होता है वन वे कैसेट का। यही आपका, जैसे कि आप वीडियो में देख भी रहोगे कि इससे लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है। और जैसा कि कैसेट एसी है तो ये आपका आपके रूम का एक्स्ट्रा स्पेस कुछ नहीं लेता। इसका जो इवन इंडोर यूनिट भी है वो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा फॉल सीलिंग की जरूरत भी नहीं है, वहाँ पे काफ़ी थिन है। अगर कंपेयर करें जाए फोर वे कैसेट के कंपैरिजन तो इसका इंडोर यूनिट थोड़ा थिन रहता है, तो वो भी एडवांटेज मिलता है आपको। और जब ये लग जाता है कुछ इस तरीके से लुक आती है, और ये सीरियसली बहुत ज़्यादा आपके घर की लुक को एनहेंस कर देता है। तो आइए आज बात करते हैं वन वे कैसेट एसी मित्सुबिशी 1.5 टन, जो कि आता है आपका 5 स्टार रेटिंग, जो इसमें ISER नहीं है इसलिए इसमें स्टार का स्टिकर नहीं लगा होता, इसमें ER है जो कि इंडिया से बाहर ईयर चलता है उसके अकॉर्डिंग ये 5 स्टार रेटिंग मशीन है। आप इनकी कैटलॉग में भी चेक करोगे उस पर भी 5 स्टार रेटिंग ही लिखा होता है। तो 5 स्टार रेटिंग हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर जो कि आपका वन वे कैसेट में आता है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इस मॉडल के बारे में, क्या क्या खासियत मिलती है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किस तरीके से लुक निकल के आता है और कैसा इसका डिज़ाइन है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके की वीडियो आगे भी आपको मिलते रहे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वन वे कैसेट की मैं बात कर रहा था, मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी, वैसे तो फोर वे कैसेट भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं इनके, वन वे कैसेट भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं इनके, बट वन वे कैसेट थोड़ा कम फोर वे के कंपेरिजन इसलिए बिकता है बिकॉज इसका कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये हर जगह के लिए नहीं होता। ये आप पहले से प्रोविजन करके रखोगे तो आप इसको इंस्टॉल करा सकते हो, और ये बेसिकली लुक को ही इनहेंस करता है। अगर आप डेटन का चाहे स्प्लिट लगाओ, चाहे वो फोर वे कैसेट लगाओ, चाहे वो वन वे कैसेट लगाओ, अगर वो डेटन का है तो कूलिंग सेम होती है, कूलिंग में कोई फर्क नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपका डेटन की मशीन 2 टन का एसी का काम करेगा, ऐसा नहीं है। डेटन की मशीन डेटन के एरिया के लिए ही सूटेबल होती है और उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करा होता है। तो इट्स बेटर कि अगर आपका रूम साइज डेटन का है तो वहाँ पे आप डेटन की मशीन ही प्लेस करें, चाहे आप मित्सुबिशी का ही लगाएं। और इस मशीन की कुछ खासियत है, जैसे कि इसमें जो इन्वर्टर एसी यूज़ इसमें जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करी हुई है, ये डुअल इन्वर्टर है, डबल रोटर के इन्वर्टर कंप्रेसर है जो कि DC पैम इन्वर्टर डबल रोटर कंप्रेसर होता है। इसमें रिवर्स वाल लगा होता है जो कि हॉट एंड कोल्ड का भी काम करता है, ये हॉट एंड कोल्ड के साथ आता है, प्लस ये इन्वर्टर भी है। इन्वर्टर 5 स्टार रेटिंग हॉट एंड कोल्ड सीरीज में आता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी वर्किंग रेंज की, तो ये -15 डिग्री से लेके 55 डिग्री तक काम करता है, मतलब हीटिंग मोड में -15 से 24 और कूलिंग मोड में 18 से लेके आपका 55 डिग्री तक ये आराम से काम करता है। तो अगर आपका रूम साइज 200 स्क्वायर फीट के अराउंड है तो आप डेटन की मशीन इनकी आराम से प्लेस कर सकते हो किसी भी एरिया में, इवन चाहे ग्राउंड फ्लोर है चाहे टॉप फ्लोर है, कहीं पे भी आप इनकी मशीन को आराम से प्लेस कर सकते हो। अगर आप इसकी MRP की बात करी जाए तो इसकी MRP आती है 1,45,000 रुपये, जो कि लगभग आपको 1,22,000 1,23,000 के आसपास मिल जाएगा। तो कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा है अगर कंपेयर करी जाए डेटन का फोर वे कैसेट जिसकी कॉस्टिंग है लगभग 76,500, और वन वे कैसेट की कॉस्टिंग है जो कि लगभग आपका 1,22,000 रुपये है। तो कॉस्टिंग में डिफरेंस ज़्यादा है, बट ये इन्वर्टर सीरीज में भी आ गया, 5 स्टार भी आ गया, प्लस हॉट एंड कोल्ड भी आ गया, और प्लस वन वे भी आ गया। तो अगर ये सारी चीज़ें मिलाई जाए तो फिर आपको डिफरेंस ज़्यादा नहीं लगेगा, बट डिफरेंस तो ज़रूर है। और वन वे कैसेट बहुत लिमिटेड कंपनियां बनाती है, नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा लोग कम इसके ऊपर जाते हैं वन वे कैसेट के ऊपर, क्योंकि जहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले से करना होता है वहाँ पे लोग फोर वे के लिए कर लेते हैं बिकॉज फोर वे की कॉस्टिंग थोड़ी कम होती है वन वे के कंपैरिजन। तो ये फर्क होता है, इसलिए लोग वन वे की तरफ कम जाते हैं। बाकी जिनके लिए लुक मैटर करता है, लुक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो वन वे कैसेट की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। और आज के डेट में मैं आपको यकीन मानिए, ये पिछले साल से लेके अब तक अब जो इंक्वायरीज आती है हमारे वन वे कैसेट की, वो पहले के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा आती है अब आज के डेट में, इवन दो आज के डेट में कंपनी के पास मटेरियल नहीं है फुलफिल करने के लिए अपने ऑर्डर्स को। तो इस लेवल पे ऑर्डर्स हैं आज के डेट में, वन वे की डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है पिछले 1-2 सालों में देखा जाए तो। सबसे पहले इसमें जो मिलता है आपको इंडिविजुअल फ्लैप कंट्रोल डिज़ाइन मिलता है आपको, मतलब कि 2 फ्लैप होते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें आप दोनों को अलग अलग तरीके से आप अपने हिसाब से आप उसको
यूज कर सकते हो। जब आपको एक ही जरूरत हो आप एक फ्लैप ऑन करो, या जिधर की तरफ भी आपको डायरेक्शन रखना है उस तरफ को रख सकते हो। तो मतलब दोनों को आप इंडिविजुअल कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक बार ही मशीन ऑन करी तो एक जैसा दोनों फ्लैप एक जैसा काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। दोनों फ्लैप को आप इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, दोनों में अलग अलग मोटर लगी हुई है जो कि अलग अलग तरीके से ऑपरेट होती है। इसके अलावा इसमें वायरलेस रिमोट कंट्रोल आता है। वैसे तो वायरलेस रिमोट कंट्रोल आज के डेट में लगभग हर कंपनी के एसी में आता है, चाहे वो विंडो लो, चाहे स्प्लिट लो, चाहे कैसेट लो, चाहे फोर वे कैसेट लो, चाहे वन वे कैसेट लो, कोई सा भी कैसेट लो, तो वायरलेस रिमोट कंट्रोल इसमें भी है, सेम वही चीज़ है। इसमें इंडोर बहुत ज़्यादा थिन आता है जो कि लगभग 220 mm का आता है, और ये थिन होना ही बहुत बड़ी बात है बिकॉज आपको फॉल सीलिंग बहुत ज़्यादा नहीं रखनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ भी मिल जाता है। जितने भी कैसेट होते हैं सब में ड्रेन पंप लगा होता है, इसमें भी ड्रेन पंप लगा होता है जिसकी जो कि 600 mm का ड्रेन पंप है। अगर आप नॉर्मली आपने देखा होगा कि स्लोप में ड्रेन पाइप लगता है, बट इसमें अगर आप थोड़ा सा अगर हाइट पे भी जाता है तो अभी भी वो 600 mm तक उसको वाटर को थ्रो कर सकता है। तो अगर आप कैसेट एसी में कहीं ऐसा रहता है तो वहाँ पे आपको ड्रेन का इशू नहीं आएगा, अगर वाटर पंप प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो आपको कहीं पे भी इंडोर, मतलब नॉर्मली कैसेट में काफ़ी जगह देखते हैं हम कि इंडोर से पानी गिर रहा होता है, तो अगर प्रॉपर इंस्टॉल है और पंप प्रॉपर वर्क कर रहा है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पंप बहुत अच्छे से थ्रो आउट करता है। इवन मैं अपने शोरूम में भी कैसेट एसी यूज़ करता हूँ, आज तक मुझे कोई ड्रेन का इशू नहीं आया। 2013 में ये शोरूम हमने यहाँ पे ओपन करा था, तब से आज तक कैसेट के अंदर कोई पानी का इशू नहीं आया हमें भी। तो इसी तरीके से होता है, अगर इंस्टॉलेशन प्रॉपर है तो आपको भी ड्रेन का कोई इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसमें वर्टिकल ऑटो स्विंग का ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत बेसिक फीचर है मेरे हिसाब से, और इसमें एक ऑप्शन बहुत अच्छा मिलता है, इसमें आपको फ्रेश एयर इनटेक का प्रोविजन भी मिलता है। अगर आप चाहो तो जो नॉर्मली क्या होता है जितने भी एसी काम करते हैं वो अंदर की हवा को ही सर्कुलेट करते हैं रेगुलरली, तो इसमें अगर आप चाहो तो आप फ्रेश एयर थ्रू आउटडोर ये पास करता है इंडोर में, तो अगर आप फ्रेश एयर इनटेक करना चाहो तो वो ऑप्शन भी रिमोट के अंदर अवेलेबल है, तो ताकि फ्रेश एयर आए और उसको रोटेट करे तो फिर थोड़ा सा आपको एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज मिलता है, तो ये भी अच्छा एडवांटेज है इस मशीन के साथ में। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि सेल्फ डायग्नोसिस ऑप्शन आता है वो इसमें भी आता है, आपका फिल्टर क्लीन इंडिकेटर आता है वो इसमें भी आता है, डीसी पैम इन्वर्टर जो कि ट्विन रोटरी कंप्रेसर में आता है वो भी है इसमें, हॉट एंड कोल्ड सीरीज में है जो कि रिवर्स वॉल लगा होता है इनका, और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल भी इसमें लगा हुआ है। तो मतलब जितनी भी मेजर चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे प्रीमियम एसी को चाहिए होती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं आपको। और वन वे कैसेट एसी के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि इसका रिमोट कंट्रोलर है जो कि यूनिट के अंदर लगा हुआ है, वो इंफ्रारेड से चलता है, तो इससे रिमोट का ऑपरेशन जो आता है वो और ज़्यादा ईजी हो जाता है और ज़्यादा स्मूथ वर्क करता है। और इसके अंदर जैसे कि ये डेटन का एसी है प्लस इन्वर्टर है, तो इसमें पाइप साइज जो यूज़ करा हुआ है वो हाफ एयर क्वार्टर का यूज़ करा हुआ है, और इसमें R32 इको फ्रेंडली गैस यूज़ करी हुई है। बात करें कूलिंग कैपेसिटी की तो इसमें 5000 कूलिंग कैपेसिटी है जो कि इसकी रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है। एम्पेयर की बात करीजिए, एम्पेयर बहुत कम है, करंट एम्पेयर जो इसका 0.3 से लेके 6.1 एम्पेयर तक आता है, डिपेंड करता है आपके हीट लोड के ऊपर ही गेट कितना खुल रहा है या कौन से फ्लोर मशीन लगी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर देखा जाए तो इसके एम्पेयर भी काफ़ी कम है, कूलिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, 5000 कूलिंग कैपेसिटी है, डिसेंट कूलिंग कैपेसिटी है, ये रेटेड है। इसके अलावा अगर आप इसके कैटलॉग पे देखोगे उसमें कूलिंग कैपेसिटी 5800 तक लिखी हुई है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 2 टन के एरिया में डेटन की मशीन लगाओ, आप डेटन के एरिया में डेटन की मशीन लगाओ उतना सफिशियंट है। कैटलॉग के ऊपर कंपनी ने क्लियरली लिखा हुआ है कि इनकी मशीन 210 स्क्वायर फीट तक भी बहुत आराम से काम करती है, तो अगर आपका एरिया 200 स्क्वायर फीट तक है तो आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो, चाहे टॉप फ्लोर हो चाहे नीचे का फ्लोर हो। डेट का इन्वर्टर एसी विद हॉट एंड कोल्ड वन वे कैसेट, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप वन वे कैसेट की तरफ देख रहे हो, और अगर अपने रूम के अगर आप अपने घर के लुक को थोड़ा और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हो तो आप वन वे कैसेट की तरफ जा सकते हो। मैंने वैसे यूट्यूब पर काफ़ी सर्च करा कि मैं वन वे कैसेट एसी का कोई वीडियो ढूंढूं बट मुझे नहीं मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना वन वे कैसेट एसी की एक फ्रेश वीडियो बना ली जाए जो कि यूट्यूब पे भी आपको आसानी से मिल जाए ढूंढने पे भी, बिकॉज फोर वे कैसेट बहुत कॉमन चीज़ है बट वन वे कैसेट क्या है ना, ये कॉमन चीज़ नहीं है, ये बहुत रेयर चीज़ है जो कि अभी स्टार्ट हुई है, हो सकता है आने वाले टाइम पे ये भी कॉमन चीज़ हो जाए। यही था आज की वीडियो में, आई होप मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपका कैटलॉग डाउनलोड करने का लिंक भी दे दिया है। अगर आप मेरे से कोई चीज़ छूट रही हो या कुछ मिसिंग रह रहा हो या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इस एसी के रिगार्डिंग, तो मैंने डाउनलोड कैटलॉग डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया है, आप वहाँ से कैटलॉग डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपका एसी से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा इंस्टेंट रिप्लाई देने की। और अगर आप एक मित्सुबिशी एसी यूज़ करते हो तो उसका रिव्यू शेयर जरूर करें ताकि औरों को भी आइडिया लगे कि मित्सुबिशी के एसी किस लेवल के हैं, किस क्वालिटी की मशीनें बनी हुई हैं, किस परफॉर्मेंस के साथ आती है। थैंक यू सो मच।
ये है आउटडोर यूनिट वन वे कैसेट का 1.5 टन। जैसा कि देख सकते हैं इसके ऊपर उस तरह की कुछ इस तरीके से पैकिंग आती है। इसमें मॉडल नंबर लिखा हुआ है FDC50GNA। ये इसका मॉडल नंबर है। ये 1.5 टन का वन वे कैसेट है जिसमें स्टार रेटिंग नहीं होती है, बट ये इन्वर्टर होता है विथ हॉट एंड कोल्ड सीरीज के साथ है। और जैसा कि इसमें कंबाइन यूनिट लिखा हुआ है आपका, यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंडोर यूनिट के अंदर रिमोट आता है, फिल्टर आता है, यूज़र मैनुअल, AAA बैटरी, वारंटी कार्ड, ये सब चीज़ें हैं जो कॉमन है। ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। आउटडोर के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ एक प्लेन आउटडोर मिलता है। कूलिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 5000 वाटेज की कूलिंग कैपेसिटी होती है। सिंगल फेस मशीन है ये। पावर इनपुट 1380 वाटेज है। 45 kg का इसका आउटडोर का वेट है, जो कि अच्छा बल्कि आउटडोर है। रेफ्रिजरेंट इसमें R32 यूज़ करा हुआ है। और मंथ ऑफ ईयर ऑफ इम्पोर्ट का है 30th of June 2022 का। मेड इन थाईलैंड है। इसकी MRP की बात करी जाए तो 1,45,000 रुपये इसकी MRP है, 1,45,000 रुपीज़। बाकी कुछ कंपनी का एड्रेस जो कि पटेल नगर इनका हेड ऑफिस है, प्लस इनका कस्टमर केयर नंबर जो कि है 1800102005। ओ चलिए देखते हैं और क्या क्या है इसमें। इधर भी कुछ नहीं है सर, और कहीं कोई स्टिकर नहीं है। आइए इसको ओपन करके देखते हैं अंदर की तरफ से किस तरीके से दिखता है। तो ये इस तरीके से है। ये इसका टॉप हटाया हमने। ये इसका लुक है जो कि वैसे तो बाकी अगर स्प्लिट देखा जाए उनका तो लगभग सिमिलर लुक ही है, बट जो प्रीमियम वाली फील है ना वो आ रही है इसमें। लग रहा है कि ये एक प्रीमियम आउटडोर यूनिट है जो कि देख के ही पता लग जाता है। अगर आप आज के दिन में आप बाकी किसी इंडियन कंपनी का अगर आप आउटडोर यूनिट देखोगे और इसको देखोगे, जब आप बाई फेस देखोगे तो सीरियसली आपको खुद लगेगा नहीं यार ये है एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। मिट्सुबिशी एविनेसिस की का लोगो, इन्वर्टर, R32 इको फ्रेंडली गैस और कंपनी का कुछ डिस्क्रिप्शन डिटेल यहाँ पे मेंशन है। और यूजर इंस्टॉलेशन मैनुअल ये दे रखा है टेक्नीशियन के लिए ताकि उसको थोड़ा हेल्पफुल हो यूनिट को इंस्टॉल करने में। यहाँ पे इसकी पाइपिंग साइज है। यहाँ पे इसका सेंसर दिया हुआ है, आउटडोर सेंसर होता है। और ये 100% कॉपर का आउटडोर यूनिट है। कुछ इस तरीके से लुक है। तो फ्रंट दिखाऊँ आपको तो इस तरीके से लुक आ गया जो कि काफ़ी अच्छी लुक है। तो चलते हैं अभी हम इंडोर की तरफ, देखते हैं और इंडोर के अंदर क्या क्या मिलता है हमें वन वे कैसेट में। ये है फ्रेंड्स वन वे कैसेट का इंडोर यूनिट जो कि इस साइज में आता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसका डायमेंशन, जैसे कि आप देख सकते हो 1.90 1190। फिर भी मैं आपको इंचेस में नाप के दिखाता हूँ ये कि एग्जैक्टली कितना विथ है इसका। ये है आपका लगभग 48 इंचेस है, मतलब जो इंडोर का साइज आता है ना इनका 47.2 इंचेस, इससे थोड़ा सा बड़ा है या आप सेम साइज ही मान के चल सकते हो। ये इसका वन वे कैसेट के इंडोर यूनिट का डायमेंशन है। और इसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लें एक बारी क्या क्या आता है। मॉडल नंबर FDT S50GA 1.5 टन। इसके अंदर आपको मिलता है एक इंडोर यूनिट, एक रिमोट हैंडसेट, एक फिल्टर, यूज़र मैनुअल, दो बैटरीज एंड वारंटी कार्ड। कूलिंग कैपेसिटी सेम वही डिटेल लिखी हुई है जो आउटडोर यूनिट पे होता है, 5000 कूलिंग कैपेसिटी। सिंगल फेज मशीन 1380 वाटेज की मशीन है। 27 किलो का इंडोर यूनिट है। मेड इन थाईलैंड मशीन है। MRP इसमें आउटडोर पे लिखी होती है और बाकी कुछ कस्टमर केयर की डिटेल्स हैं। तो ये वन वे कैसेट का है, इसको ओपन करके दिखाता हूँ मैं। आइए ये है इसका इंडोर यूनिट अनबॉक्सिंग जो कि खोल दिया हमने और कुछ इस तरीके से इसका इंडोर यूनिट आता है जिसमें दो ग्रिल लगती है आपकी, यहाँ पे लगेंगी
इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन डिटेल्स हैं यहाँ पे। एंड पाइप साइज की बात करी जाए, यहाँ पे कॉपर पाइप का साइज है चूँकि हाफ और क्वार्टर में है, जिसका ड्रेन सिस्टम है, ड्रेन पंप लगा होता है इसमें वाटर थ्रू आउट के लिए। 1.5 टन का है ये, और 1.5 और 2 टन में डायमेंशन सेम होता है। और ये अभी यूनिट पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर आपकी ग्रिल लगती है, मैं आपको वो भी लगा के दिखाता हूँ। ये दो पैनल होता है इसमें, लेफ्ट पैनल राइट पैनल, तो ये सेम वही दो पैनल है। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से लगाने के बाद किस तरीके से लुक आएगी इसकी। तो एग्जैक्टली पैनल लगने के बाद इस तरीके से आपको लुक मिलती है, जो कि सीरियसली जब ये हाइट पे लगेगा ना आपकी फॉल सीलिंग में, तो लिटरली ऑसम लगेगा। बिकॉज इसकी जो लुक है, इसकी जो मतलब डिज़ाइन है, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। जो REC जो अपना स्प्लिट ACs वगैरह होते हैं, ये उनसे फार मोर अहेड है, कूलिंग के टर्म्स में भी, प्लस परफॉर्मेंस के टर्म्स में भी, प्लस लुक के टर्म्स में भी। बिकॉज ये मशीनें वही लोग लगाते हैं जिनको जिनके लिए लुक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं इसका पैनल भी दिखाता हूँ, इसका पैनल किस तरीके से लगता है और इसका हैंडसेट कैसा होता है। रिमोट डालो। ये है वायरलेस किट, जिसमें आता है आपका कुछ इस तरीके से, निकाल लेते हैं, ये आता है इसका वन वे का रिमोट हैंडसेट, जो कि सेम है जैसे स्प्लिट ईसी इन्वर्टर का आता है वैसा ही है। और ये कुछ इस तरीके से पैनल होता है जो कि यूनिट के अंदर लगता है। ये स्टैंड है इसका, और ये रिसीवर लगेगा यूनिट के अंदर रिमोट का, जिसकी वजह से मशीन एज अ वायरलेस मशीन काम करेगी। और इसका एक ये पैनल है, एक वायरलेस किट, एक और है जिसको हम बोलते हैं, ये है वायरलेस रिसीवर, वो वायरलेस रिमोट था और ये वायरलेस रिसीवर है जिससे AC ऑपरेट होगा। इसमें दो वायरलेस रिसीवर हैं, एक आपका ये है जो उस वक्त पहले वाले बॉक्स में था, और एक ये है ये दूसरे वाले बॉक्स में। और एक आपको वायरलेस रिमोट मिलता है, दो वायरलेस रिसीवर मिलते हैं, दो इंडोर मतलब दो पैनल के साथ में, जिसमें लेफ्ट पैनल राइट पैनल होता है। तो कुछ इस तरीके से कंप्लीट अनबॉक्सिंग है इसकी, जिसमें हमारी इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इस तरीके से लुक आती है इसकी, जो कि लगता है कि बिल्कुल प्रीमियम है। और जब ये AC इंस्टॉल होगा तो आपके घर के लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। तो यही था हमारा वन वे कैसेट की कंप्लीट वीडियो में। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ इसी तरीके से प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।